हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम हैक्स। और मैं हूँ जोया। और आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू लूज योर वेट। यस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे बिना जिम करे कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। सो यस गाइस, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लाइक बिना जिम जाए कैसे वेट लॉस होगा। सो यस, लेट मी टेल यू कि बिना जिम जाए भी वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि जिम इज जस्ट अ 30% ऑफ द एंटायर प्रोसेस जो आपको वेट लॉस या वेट गेन या मसल बिल्ड करना होता है। आपका साथ जिम सिर्फ 30% तक देता है, बाकी 70% इज द डाइट। सो यस गाइज, डाइट इज द किंग, डाइट इज एवरीथिंग, डाइट ही सब कुछ होता है। भले ही आपको बॉडी बिल्डिंग करना हो या आपको वेट लॉस करना हो, डाइट इज द किंग। Many people out there are very lazy for physical activities. So let me tell you how to lose weight without, like, आपको थोड़ा बहुत तो physical activities रखने चाहिए, लेकिन आपको gym, बिना gym करे आप कैसे घर पे weight loss कर सकते हैं, मैं आपको ये आज बताऊंगी। और ये आप ज़रूर try कीजिए। ओके गाइज, फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ये आपको ये नहीं बोलने वाली कि आपके डाइट में आप चिकन ऐड करें रोज़ या आप अंडे ऐड करें। नहीं, मैं आपको ऐसे एडवाइजेस नहीं देने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि आपको अपने डाइट में क्या क्या नहीं लेना है। आई होप कि लाइक दिस इज लाइक मोर ईजी वे टू लाइक हाउ टू लूज वेट। आपको अगर बोला जाएगा आपको ये खाना है वो खाना है, आप सोचेंगे यार मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती या मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर कि लाइक forget about what to add, let's concentrate on what not to add in your diet. Okay guys, चलिए आज का वीडियो और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ये वीडियो एंड तक देखिएगा, डू नॉट मिस एनी थिंग। ओके गाइज, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि डाइट होता क्या है। डाइट वो होता है जो आप रोज एवरी डे में आप जो खाते हो या पीते हो उस चीज को जो आप इंटेक करते हो उसको बोलते हैं डाइट। सो पहली चीज जिससे आपको दूर रहना है वो है सोडा। सोडा मतलब पेप्सी, कोका कोला, जो भी ड्रिंक आपको मार्केट से मिलता है वो आपको नहीं पीना है। दैट कंटेन्स हाई 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 लेवल ऑफ शुगर इन इट, जिससे आपका वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। आपको इस सोडे के आइटम से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। फर्स्ट आइटम है जिससे आपको दूर रहना है वो है सोडा। सो आपको यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग लाइक पेप्सी, कोका कोला, फैंटा एंड ऑल दिस थिंग्स। आई नो कि लोगों को क्रेविंग्स होती है, लेकिन आपको इससे दूर रहना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ना फायदेमंद है। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सो जस्ट स्टे अवे। आप हफ्ते में एक दिन चीट मील का रख सकते हैं जहाँ पे आप ये सोडा आइटम या जो भी आपको खाना पीना है आप कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे या फिर रेगुलरली आपको ये सोडा इंटेक नहीं करना है। गाइस, दिस इज द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम। ओके, एनी काइंड ऑफ स्वीट्स, जो भी शादियों में या जो भी लड्डू बनती है या जो पेड़े बनते हैं, जो भी स्वीट्स होते हैं, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर ही ऐसा है कि लाइक हमें हर ओकेशन पे कुछ ना कुछ स्वीट खाने के लिए मिल जाता है। तो गाइज, ओकेशनली खाना इज ओके, बट अगर आप इसको ऑल्टरनेट डेज या डेली या ऐसे कुछ खा रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज दैट ऑल्सो कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन इट। बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप इनटेक कर लेते हैं। अगर आप इतना सा भी खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है, वो आपकी बॉडी में जाता है, कहीं ना कहीं वो फैट बन के स्टोर हो जाता है, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग गाइस। सो प्लीज़ अवॉइड दिस। सो लेट्स गेट ऑन टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड, आपको क्या नहीं खाना है इज आपको कैंडी। कैंडी आप समझते हो जो भी किसी भी तरह के डायरी मिल्क हो या किसी भी तरह के शुगर कैंडीज हो, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप डेली खा रहे हो या ऑल्टरनेट डेज खा रहे हो तो आपको ये टोटली अवॉइड करना है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी गाइज, आपको ये सारी चीज़ें आप मतलब आई नो कि ये क्रेविंग्स होती है कि आपको खाने का मन करता है, लेकिन आप इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे आपकी बॉडी इतना आपका साथ देगी वेट लॉस करने में। ओके गाइज, द फोर्थ थिंग दैट यू शुड नॉट हैव इन योर डाइट इज शुगर। आप जितना हो सके शुगर को अवॉइड कीजिए। आपका इनटेक शुगर का दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो या तीन चम्मच से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि शुगर कंटेन्स लाइक हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज और शुगर से बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है। तो प्लीज़ गाइज, जितना हो सके शुगर का अवॉइड कीजिए एंड यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। आप अपने दिन में अगर चाय ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो शुगर की जगह यू कैन यूज़ हनी। हाँ, अगर आप चाय ले रहे हैं एक बार तो एक बार में यू कैन यूज़ वन और टू स्पून ऑफ शुगर इन इट। अदर देन दैट, नो शुगर फॉर द होल डे, नो वेयर नो शुगर एट ऑल। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नॉट हैव इन योर डाइट इज बाहर का खाना। आपको बाहर का खाना बंद कर देना है। आपको नहीं पता कि वो कैसे ऑयल में बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं।
सो इसलिए आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद कर देना है. And the next thing that you should not involve in your diet is junk food. So please stay away from junk food. Junk food matlab pizza, burger, biscuits. ये सारी चीज़ें जो होती है वो junk food होते हैं. आपकी body को इसकी ज़रूरत नहीं है. हाँ मुझे पता है कि खाने में बहुत ज़्यादा tasty होती है लेकिन once in a while it's good. एक आप दिन लीजिए जिसको आप cheat meal बोल सकते हैं उस दिन आपको जो खाना है आप खा सकते हो. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट रियली नीड ऑल दिस फूड. अगर आप ये जंक फूड डेली इंटेक कर रहे हो तो आप खुद अपनी बॉडी में आप देख सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या हो रहा है. आप कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी होगी और आप वेट गेन कर रहे हो. सो यू डोंट रियली नीड दिस गाइस. सो एक दिन आप रखिए आपको जो खाना है खाइए उसको चीट मील डे बोलते हैं. आप उस दिन में आपको जो खाना है आप खा सकते हो लेकिन आप रेगुलर बेसिस में ये सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते गाइस. दैट इज़ नॉट रियली गुड फॉर योर बॉडी. You should worship your body guys because your body is the only place where you live in. आपकी बॉडी आप जितना क्लीन रखेंगे इतना आप हेल्दी रहेंगे इतना आप लॉन्ग लिव करेंगे इतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. आप प्लीज़ ये सारी जो जंक फूड्स है जो सोडा आइटम्स है जो शुगरी आइटम्स है इन सारी चीज़ों से दूर रहे. आपको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद से अपनी बॉडी में डिफरेंस देखने लगेंगे आप और आप डेफिनेटली डिफरेंसेस आप देखने लगोगे अपने बॉडी में. आपकी बॉडी फॉर श्योर फैट लॉस करने लगेगी. आपको ध्यान रखना है कि आपकी आपको अपनी बॉडी में फैट लॉस करना है मसल लॉस नहीं करना है. तो मसल लॉस और फैट लॉस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. अगर आप मसल लॉस कर रहे हो तो आपके लिए ये डिसएडवांटेज है. अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू. सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द मसल लॉस एंड फैट लॉस. अगर आप कुछ खा नहीं रहे हो अगर आप स्टार्व कर रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइक मैं मोटी हूँ या मैं मोटा हूँ अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं वेट लॉस करूंगा तो आपका उस टाइम में जो लॉस होता है वो आपका फैट लॉस नहीं हो रहा होता. फैट लॉस ड्यूरिंग स्टार्विंग नहीं होता. व्हेन यू आर स्टार्विंग यू एक्चुअली गेन फैट एंड यू लूज योर मसल. मसल आपको लूज नहीं करना है मसल आपको गेन करना है. तो उसके लिए आपको हेल्दी चीज़ें खानी पड़ेंगी. आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है टोटली. एक दिन रखे खाइए जो खाना है. रेस्ट ऑफ द डेज प्लीज़ फॉलो ओनली एंड ओनली गुड होम मेड फूड. और होम मेड फूड में आपको पता है कि सारी सब्जियाँ ग्रीनरीज होती है रोटी होती है चावल होते हैं ये सारी चीज़ें खाइए. दैट इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ. ओके दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी टमी एक्चुअली काम कैसे करे. टमी मतलब आपका पेट कैसे काम करता है. तो आपका पेट होता है अंदर से इतना छोटा. इतने छोटे पेट में अगर आप इतना सारा खाना डालोगे तो ऑब्वियसली आपका पेट बड़ा नजर आएगा और आपका पेट उस खाने को ज़्यादा सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. तो इस सिचुएशन में आप ऑब्वियसली मोटे हो जाएंगे. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज अच्छे से च्यू कीजिए अपने खाने को जितना हो सके इतना अच्छे से च्यू कीजिए. बात कम कीजिए. आपके खाते टाइम आपको बात कम करना है. खाते अच्छे से च्यू करना है. वो जब आपके पेट के अंदर जाएगा तो पेट के अंदर आपका ऑब्वियसली डाइजेस्ट होगा. तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपके जितना पेट का पोर्शन है आप इतना ही खाना खाइए ना कि इतना खाना. एक बार में इतना खाना खाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ब्रेक्स लीजिए जितने चाहिए इतने ब्रेक्स लीजिए. 4 to 5 ब्रेक्स लीजिए दिन में और उन ब्रेक्स में आपको इतना 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 खाना है सो दैट कि आपके पेट में इतना ही खाना जाए और आपका पेट इतना डाइजेस्ट कर ले उसके बाद और इतना खाना जाए. तो हाँ दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया है कि आपको सोडे के आइटम से या जंक फूड से या स्वीट आइटम से या इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है. और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपका पेट इतना छोटा होता है आपको इतना ही खाना है. और मैं आपको ये भी बता दूँ अगर आपको लगे कि लाइक मैं स्वीट के बिना नहीं रह सकती या मैं चॉकलेट्स के बिना या मुझे मुँह में मीठा ही चाहिए कुछ ना कुछ खाना मुझे मीठा खाना पसंद आता है तो मैं आपको ये बता दूं कि यू कैन ऑलवेज रिप्लेस योर फूड. यू कैन ऑलवेज रिप्लेस. अगर आपको मीठा खाना है व्हाई डोंट यू गो ईट सम फ्रूट. लाइक यू नो फ्रूट मीठे होते हैं. रिप्लेस योर स्वीट्स एंड कैंडीज विथ फ्रूट्स जो कि आपको बेनिफिट भी देते हैं अपने लॉन्ग टर्म में भी देंगे आपके बॉडी वेट लॉस करने में भी देंगे आपका पेट भी भरा रहेगा और आप जितना चाहे उतना फ्रूट खा सकते हो. आपको जब भी कुछ जूस पीने का मन करे तो आप कभी भी कहीं पर भी यू कैन ऑलवेज हैव दिस लेमन हनी वाटर. लेमन हनी वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए. वो डिटॉक्स भी करता है आपकी बॉडी को और वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है आपकी बॉडी वेट लॉस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. आपको जब भी जूस पीने का मन करे यू कैन ऑलवेज गो फॉर लेमन. और आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो यू कैन ऑलवेज गो ग्रैब अ फ्रूट
फ्रूट्स खाइए, जितना खाएंगे आपके लिए अच्छा है, आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी. सो यस गाइस, दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स वेयर आई हैव मेंशनड इन दिस वीडियो कि लाइक आप ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिए. ओके गाइस, सो दिस वाज इट. आज की वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि आपको किस किस चीज़ को अपने खाने में नहीं इन्वॉल्व करना है, नहीं इंक्लूड करना है. तो आप इन सब चीज़ों को दूर रखिए, फिर आप खुद अपने बॉडी में डिफरेंस देखने लगेंगे. मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी बॉडी में डिफरेंस आपने महसूस किया कि नहीं. अगर आप नहीं करेंगे महसूस, तो ऑब्वियसली आपको जो देखेंगे वो खुद डिफरेंसेस फील करने लगेंगे और आपको मिलने लगेंगे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स. सो मैं खुद इन सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ अपने डेली लाइफ में. जो मैंने इस वीडियो में बोला है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप डेली बस एक घंटे अगर आप वॉक भी करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, नॉट वन आवर बट लाइक 30 मिनट्स. थोड़ी बहुत तो फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में. तो हाँ, बस वॉकिंग विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद दिस. तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. आप अपने दोस्तों को या अपने घर घर के लोगों को या जिनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करना चाहते हैं फॉरवर्ड कीजिए. उनको भी बताइए कि इन चीज़ों से दूर रहे, बस ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आप दूर रह सकते हो. और आपको इन चीज़ों से नुकसान ही होता है आपकी बॉडी में, आपके बॉडी को ये कहीं पर भी बेनिफिट नहीं करते. तो प्लीज़ गो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मैं बहुत जल्द लौटूंगी अपने नए वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.